हाय फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल कुक विद परी में। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सूजी से बनने वाला स्वादिष्ट नाश्ता। तो जिसके लिए हमने ये सूजी लिया है, सूजी हमने एक कटोरी लिया हुआ। ये टमाटर हमारा है, एक टमाटर हमने इसको बारीक कट कर लिया है। ये हमारी मटर है, मतलब एक कटोरी है छोटी वो भी। और तीन आलू हमने ये बॉयल करके रख लिया हमने। और ये हमारा कड़ी पत्ता है, ये हमने आधी गाजर को इसको हमने बारीक कट कर लिया है। ये हमारा एक प्याज है, इसको भी हमने बारीक कट कर लिया है। ये हमारा एक शिमला मिर्च है, इसको भी हमने कट कर लिया। और ये हमारा एक बाउल दही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सूजी का नाश्ता। तो जो सूजी का नाश्ता बनता है बहुत स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले ये मिक्सिंग बाउल लेंगे, और मिक्सिंग बाउल में हम ये जो हमने एक बाउल सूजी लिया उसको हम डालेंगे। और इसको उसके साथ ही हम इसमें एक कटोरी जो हमने दही लिया था उसको ऐड करेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि दही हमारी खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी खट्टी है तो थोड़ी सी कम दही लेनी चाहिए। और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, और इसमें आवश्यकता अनुसार हम इसमें पानी भी मिला लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक हमको मतलब गाढ़ा घोल बनाना है इससे। अभी इसमें थोड़ा सा और पानी लगेगा, तो इसमें हम और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं, लगभग आधी कटोरी। और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं हम। इसमें एक चम्मच नमक ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको 5 मिनट के लिए हम ढक के रख देते हैं। और ये हमने पैन लिया है, पैन में हम 2 चम्मच ऑयल ऐड कर देते हैं। और अब हम इसमें राई ऐड करेंगे 1 चम्मच। और अब हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर देते हैं कुछ, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा। और अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। और इसके साथ ही अब इसमें हम ऐड कर देते हैं जो हमने हरी सब्जियां ली हैं, शिमला मिर्च, गाजर और एक साथ प्याज। इन सारी चीज़ों को एक साथ ऐड कर देते हैं और इसको हमको हल्की धीमी आंच में थोड़ा सा भून लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। और इसके साथ हम इसमें मटर ऐड कर देते हैं जो हमने लिया है, और उसको हम अच्छे से मिला देते हैं। और उसके साथ हम टमाटर भी ऐड कर देंगे। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें नमक हमने 1 चम्मच ऐड किया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं हम। और अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से ढक देते हैं, ताकि अच्छे से सब्जियां जो हमारी गाजर वगैरह पड़ी हैं वो अच्छे से पक जाएं। और ये देखिए हमारे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और हम इसको मिक्स कर देते हैं। ये देखिए हमारी सब्जियाँ लगभग लगभग गल चुकी हैं। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको अब हम मिक्स कर देते हैं। और अब हमने जो हमने आलू लिया था मैश किया हुआ, उसको हमने मिक्स के ये रेडी कर लिया है। और अब हम इस आलू को भी इसमें मिक्स कर लेना है हमको अच्छे से। ये देखिए हमारा एकदम बढ़िया सा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसको एक साइड गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और अब हमने ये पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, और उसको हम ढक देते हैं जब तक पानी में हमारे बॉयल ना जाए। और चलते हैं, जब तक हम एक साइड हमारा पानी बॉयल हो रहा है तब तक हम एक साइड चटनी अपनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए हमने ये हरा धनिया लिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा बारीक कट कर देंगे। इसके साथ ही हम लेंगे ये 4 से 5 हमारा लहसुन है, ये 4 से 5 हमारा हरा मिर्च है, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही हमने ये 2 टमाटर बड़े लिए हैं, इसको भी हम इसी में ऐड कर देते हैं।
एक चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं और अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। और ये देखिए हमारी चटनी बन के रेडी हो चुकी है, एकदम बढ़िया। ये देखिए एकदम बढ़िया सी इसके रेडी हो चुकी है। अब हम इसको इस बाउल में निकाल लेते हैं। और ये देखिए हमारी चटनी बनके एकदम बढ़िया सी रेडी। और ये देखिए हमारी सूजी भी एकदम बढ़िया से ठीक हो गई है। और इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया सा, थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं। आधी कटोरी हम इसमें पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा हमको पतला भी नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें एक चम्मच हम बेकिंग पाउडर मिला लेते हैं और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि हमारा सूजी जो होगा बहुत स्पंजी हो जाएगा और बहुत एकदम सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए हमारा एकदम बढ़िया सा हमारा गोल रेडी हो गया है सूजी का, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना हमको। तो अब हम ये बर्तन लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इस तरह से। और इसमें हमने आधा इसको सूजी को ऐड कर लिया है और आधा अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। और ये देखिए हमारा पानी बॉयल हो चुका है अच्छे से। और अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें छोटा सा बर्तन हम नीचे रख देते हैं। अगर आपके पास स्टैंड है तो स्टैंड भी आप रख सकते हैं इस तरह से, एकदम पानी के अंदर भिगा के इस तरह से। और इसके ऊपर जो हमने बर्तन में सूजी रखी है उसको रख देते हैं इस तरह से। और इस 2 मिनट के लिए हम ऐसे ढक देते हैं। और अब हम ये देखिए सब्जी हमारी एकदम बढ़िया से ठंडी हो गई हैं। इसको हम थोड़ा सा हाथों से मसल लेते हैं और इसको हम थोड़े से एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं इस तरीके से। और हमको दोनों हाथों की सहायता से हमको थोड़ा सा गोल गोल सा इस तरह से जैसे टिक्की बनाते हैं उस तरीके से हमको बना लेना है। ये देखिए इस तरह से हमको बनाकर रेडी कर लेना है। ये देखिए और अब हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए सूजी हमारी एकदम बढ़िया सी वो हो गई है। और इस अब हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से हम इसमें हमको फैला देना है इसको इस तरीके से थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से फैल जाए। और इसके साथ ही अब हम इसमें जो हमारी सूजी बची हुई थी उसको हम ऊपर से ऐसे कवर कर देंगे इस तरीके से। और ये इस तरह से देखिए हमने इसको कवर कर दिया है पूरी सूजी डाल के। और अब हम इसको बराबर कर देते हैं इस तरह से। और अब हम इसको फिर से ढक देते हैं। 5 मिनट हुए हैं और इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं इस तरह से नाइफ डाल के। अरे वाह, ये देखिए एकदम भी हमारी इसमें नहीं लगा स्टिक में इस तरीके से। ये देखिए एकदम बढ़िया पूरा नीचे तक हमारा पक गया है एकदम बढ़िया से। तो हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और ये देखिए हमने इसको कढ़ाई से निकाल लिया है और इसको हम चक्कू की सहायता से इस तरह से किनारे से निकाल लेते हैं ताकि आसानी से हमारा प्लेट में निकल आए। ये देखिए कितनी आसानी से निकल आया। और अब हम इसको प्लेट में रख के इस तरह से पलट लेते हैं। ये देखिए अरे वाह, कितना आसानी से हमारा निकल आया। और देखिए कितना स्पंजी हमारा बना हुआ है। ये देखिए और इसको और थोड़ा सा स्वादिष्ट और टेस्टी बनाने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा इसको फ्राई कर देते हैं। और ये देखिए गैस पे हमने चम्मच रख दिया है और अब इसमें हम ऑयल डालते हैं। ऑयल हम लगभग 1 चम्मच लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं राई 1 चम्मच। और अब हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर देते हैं। और ये देखिए हमारा तड़का रेडी हो गया है और अब हम इसको इसके ऊपर ऐसे डाल देते हैं इस तरह से।
और उसको चम्मच की सहायता से हम इसको फैला देते हैं इस तरह से। और ये देखिए दोस्तों, हमारा बन के रेडी हो चुका है एकदम सूजी और आलू का नया ब्रेकफास्ट, एकदम बढ़िया सा और बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब हमारा बन के रेडी हुआ है। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखिए हमने चक्कू की सहायता से इसको काटा हुआ है, ये देखिए, और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा बना है। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया हमारा स्वादिष्ट सूजी का नाश्ता और बहुत स्पंजी हमारा बन के रेडी हुआ है। ये देखिए कितना स्पंजी और बहुत स्वादिष्ट है। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी रेसिपी को आप अपने भी घर में ट्राई करें, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें और हमको बताएं हमारी रेसिपी कैसी लगती है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।